वेलकम टू योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। बेटा हम लोग कोर्स बुक से आपका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर रीड कर चुके हैं, लेट्स ट्राइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग आपका चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस बुक से। ठीक है, वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए। और आपका चैप्टर 7 क्या है, आपको जैसे कि दो बार आप उसका क्लास अटेंड कर चुके हो, आपको पता है ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर। चैप्टर का नेम क्या है, ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर। हु इज ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी कौन है? आप सबके घर में पेट एनिमल होगा या जिन बच्चों के पास नहीं होगा उन्हें पता तो होगा कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जनरली आपके हम लोग के पास पेट एनिमल्स में क्या होता है, डॉग होता है। ऐसे ही एक पेट एनिमल है हॉर्स और उसी का नाम है ब्लैक ब्यूटी। जैसा कि आपने स्टोरी पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज प्रैक्टिस बुक से कंप्लीट करने चल रहे हैं। तो ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर, ब्लैक ब्यूटी आपने पढ़ा है और आप वैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पेट एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हम लोग सबके साथ रह करके अटैच हो जाते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है लेकिन पेट एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स से कम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपने मास्टर को। जितना प्यार हम उन्हें देते हैं उतना ही प्यार वो भी हमें करते हैं। ठीक है, तो इसी के प्रश्न में है। अब आते हैं पेज नंबर वन पर। आपकी माई टर्न फर्स्ट जो है पेज है ब्लेंड पर। ब्लेंड क्या होते हैं, ब्लेंड आपको मैंने कई बार पढ़ाया, पिछली क्लास में भी पढ़ाया। ब्लेंड यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टी डब्ल्यू का, कौन सा ब्लेंड पढ़ेंगे, टी डब्ल्यू। द लेटर टी एंड डब्ल्यू ज्वाइंट, द लेटर टी एंड डब्ल्यू ज्वाइंट टू मेक अ न्यू साउंड टी डब्ल्यू। लेटर टी एंड डब्ल्यू ज्वाइंट होकर के एक न्यू साउंड बना रहे हैं टी डब्ल्यू साउंड। कौन सा साउंड बना रहे हैं, टी डब्ल्यू साउंड। जैसे कि टी डब्ल्यू साउंड का क्या होगा, एज ए प्रिंस, प्रिंस वर्ड बोलिए, इसमें टी डब्ल्यू साउंड आ रहा है ना। ठीक है, तो सर्किल द टी डब्ल्यू वर्ड इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपको टी डब्ल्यू वर्ड्स को सर्किल करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, फर्स्ट में आपको देखिए टी डब्ल्यू को सर्किल करके दिया गया है। सेकंड, फर्स्ट में क्या, हाँ सर्किल है ट्वाइस। बी में द ओल्ड मैन ट्वीक्ड हिज मस्टैच, तो इसमें टी डब्ल्यू साउंड कहाँ है, ट्वीक्ड में है। सी में कहाँ है, ट्विग में। डी में कहाँ है, पिन। ई में ट्वीड। एफ में ट्वेल्व नंबर होता है ना, नाइन। और जी में क्या है, ट्विंकल, स्टार ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसमें ट्विंकल में टी डब्ल्यू साउंड आया है, इसमें ट्विंकल वर्ड में टी डब्ल्यू को हम लोग सर्किल कर देंगे। फिर एच में टू वर्ड्स ट्वीटेड, ट्वीटेड टी डब्ल्यू साउंड यहाँ पर आया, इसमें भी टी डब्ल्यू को आप सर्किल कर लीजिए। और नेक्स्ट पेज पर चलिए, माई टर्न टू पर आते हैं। हेल्प द ट्वीटिंग बर्ड ट्वीट वर्ड्स दैट स्टार्ट विद टी डब्ल्यू। ट्वीटिंग वर्ड है जो टी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वर्ड्स को ट्वीट कर रही है और इसमें आपको एटलीस्ट 8 वर्ड्स लिखने हैं जो कि टी डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे और इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको बता भी दे रहे हैं, फर्स्ट वर्ड जैसे कि लिखा हुआ है ट्वाइस, सेकेंड आप लिख सकते हो ट्विन, थर्ड ट्वेंटी, ट्विंकल, ट्विग, ट्विटर, ट्विस्ट, ट्वीग। इस तरह से आप ये अदर भी वर्ड्स आप लिख करके कंप्लीट कर सकते हो। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा पहले खुद से, फिर कंटेंट में जो मैं सेंड करूँगी इसमें से आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपको कोई वर्ड जो भी वर्ड मिसिंग है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले वर्क को खुद से करना है, फिर कंटेंट से देख करके मैच कराना है, तब आपका वर्क, आपको ये चीज़ें तैयार भी होती चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट माई टर्न थ्री आपका बेस्ड है वर्ड विद सेम मीनिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है और जिनको हम एक दूसरे की जगह पर एक्सचेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। जैसे कि सम वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, सच एज सैड एंड अनहैप्पी। सैड मीन्स दुखी, अनहैप्पी मीन्स भी दुखी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सचेंज देयर मीनिंग सेंटेंसेस। इन वर्ड्स को हम लोग सेंटेंसेस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड है आपकी माई टर्न थ्री, राइट अनदर वर्ड विद द सेम मीनिंग इन ईच ओवर।
हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से सेम मीनिंग वर्ड आपको चूज करने के करके ओवल में नीचे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर फिल करना है। इसको हम बता दे रहे हैं, एक बार आप देख सुन लीजिए, देख लीजिए और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करके कंटेंट से मिला लीजिएगा। होम, होम क्या होता है? आपका घर। तो होम का सेम मीनिंग वर्ड क्या हो जाएगा? हाउस। कैब, कैब का क्या हो जाएगा? टैक्सी। हैप्पी का ग्लैड, प्रेजेंट का गिफ्ट, शॉप का स्टोर, सिक का इल, स्केयर का अफ्रेड, रिलैक्स का रेस्ट, सी का लो। आपको वर्ड्स में नीचे ब्लैंक स्पेस में कंप्लीट कर लीजिएगा, जहाँ नहीं जहाँ दिक्कत होगी कंटेंट से मिला लीजिएगा, आपको हेल्प बॉक्स दिया होगा। माय टर्न, फोर पर आते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। हेल्प बॉक्स से मैं वर्ड्स लिखे हुए हैं और सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइंड है उसी की सेम मीनिंग वर्ड आपको बॉक्स से चूज करनी है और ब्लैंक स्पेस पर फिल करनी है। फर्स्ट है आपका गिव मी फूड, आई एम स्टार्विंग। गिव मी फूड, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग वर्ड आपका अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड वर्ड स्टार्विंग मीन्स क्या लगना? क्या? भूख लगना, भूख। तो इसमें स्टार्विंग का सेम मीनिंग वर्ड क्या है? हंग्री है, हंग्री हम ब्लैंक स्पेस में फिल कर देंगे। सेकंड है इट इज कोल्ड, कोल्ड का सेम मीनिंग वर्ड क्या है इसमें? फ्रीजिंग। नेक्स्ट में है स्पीकिंग, स्पीकिंग का सेम मीनिंग वर्ड है टॉकिंग। नेक्स्ट है सैड, सैड का अनहैप्पी। नेक्स्ट सोप का हो जाएगा वेट, मतलब गीला। नेक्स्ट है टर्न, टर्न का तो कहते हैं ना इट्स माई टर्न, और कभी बोलोगे इट्स माई चांस, मतलब ये मेरी टर्न है या मेरी चांस है, तो टर्न का सेम मीनिंग वर्ड क्या हो गया? चांस। ठीक है, फ्राइट मतलब स्केयर, डरा। कर्व्स मतलब ब्लैंक, कर्व मतलब घूमना, ब्लैंक मतलब घूमना। ओके, तो ये आपका रहा माई टर्न फोर। अब हम लोग माई टर्न फाइव के पे आते हैं, पेज नंबर फोर पर, और आपकी माई टर्न फाइव बेस्ड है वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, और ऐसे वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड्स या नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया है, बताइए। वर्ड्स दैट आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन और नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? प्रोनाउन। वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स या नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और पर आ जाइए, वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। और प्रोनाउन पर ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भेजिए। एग्जाम्पल क्या प्रोनाउंस होते क्या क्या हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हिज, हैज, देम, डियर, और सारे। ठीक है, तो माय टर्न फाइव पर आ जाइए। सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड। दो वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है जो नेमिंग वर्ड की जगह पर प्रोनाउन में रिप्लेस हो सकता है, उसे आपको सर्किल कर देना है। फर्स्ट देख लीजिए, सैला रन्स फास्ट, सैला रन्स फास्ट। अब इसमें आप देख लीजिए सैला किसका, कौन है, गर्ल है या बॉय? ये गर्ल है, तो इसमें ऑप्शन में ही एब्लिक सी दिया हुआ है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन वर्ड यूज होता है? शी यूज होता है, तो सी इज इन अ हरी। यहाँ क्या हो जाएगा? शी वर्ड को आप सर्किल कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है माई ब्रदर एंड आई आर प्लेइंग। माई ब्रदर एंड आई, दो लोग की बात आई तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा? वी होगा कि दे होगा? जब उसमें आई इंक्लूड है तो वी हो जाएगा, राइट? जब इसमें आई इंक्लूड है तो वी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, जॉन नोटिस्ड द वाटर। जॉन सिंगल है, एक पर्सन है, प्लस वाइफ है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इसी तरह से आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ में दे होगा, फोर्थ में दे होगा, फिफ्थ में वी होगा, सिक्स में इट होगा, सेवन्थ में ही होगा, एट्थ में ही होगा, नाइन्थ में शी होगा, और टेंथ में दे होगा। आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर कंटेंट से मैच करा लीजिएगा। माय टर्न सिक्स पर आते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। अंडरलाइन नेमिंग वर्ड के लिए करेक्ट प्रोनाउन वर्ड यूज
फिर लेकर के और आपको सेंटेंस को रिराइट करना है। ए नंबर आपको करके दिया गया है, बी नंबर आप बताते हैं। मदर वॉन्ट हिम नॉट टू रन डाउन द स्टेयर्स। मदर, मदर को अंडरलाइन किया गया है, मदर फेमिनिन जेंडर है तो मदर की जगह पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। मिस्टर गॉर्डन एंड जॉन दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ग्रैंडमा फेमिनिन जेंडर है, शी हो जाएगा। द बॉय ही हो जाएगा। माई ब्रदर ही हो जाएगा। माई ब्रदर एंड आई, जहां किसी और के साथ आई इंक्लूड हो रहा है वहां दे कभी मत करिएगा, वहां क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थिंक एंड राइट पेज नंबर 6। इसमें क्या है, ब्लैक ब्यूटी वॉज वेरी लॉयल। लॉयल मीन्स टू बी देयर फॉर समवन एंड नॉट लेट देम डाउन। थिंक ऑफ वेज यू कैन बी अ गुड फ्रेंड टू अदर्स। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड वॉट कैन यू डू फॉर देम, राइट 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। मतलब ये हुआ कि ब्लैक ब्यूटी बहुत ही लॉयल है अपने मास्टर के लिए, और तो आपको ये बताना है कि रास्ता तरीके बताने हैं कि आप कैसे औरों के गुड फ्रेंड बन सकोगे और उनके लिए आप क्या कर सकते हो। इसके रेफरेंस में आपको 4 या 5 लाइन्स लिखनी है, तो इसको आपको खुद से करना है। यहाँ पर आपको हिंट कर दे रहे हैं, जैसा पहला सेंटेंस आप लिख सकते हो क्या, इफ दे हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग पेंसिल। जैसे आपका फ्रेंड है वो पेंसिल लाना भूल गया है, आई विल शेयर माइंड, तो आप अपनी शेयर कर दोगे। ठीक है, आपके पास दो है तो आप शेयर कर दोगे। इस तरह से भी फ्रेंडशिप आप कर सकते हो। आई विल शेयर माई नोट्स इफ माई फ्रेंड वॉज एबसेंट। अगर आपका फ्रेंड एबसेंट होता है तो आपकी फ्रेंडशिप है, आप क्या करोगे, अपने नोट्स शेयर कर दोगे। थर्ड आप क्या कर सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू माई फ्रेंड इफ ही गेट्स हर्ट। फ्रेंड्स आपस में खेलते हुए हर्ट भी होते हैं, तो अगर आपके किसी दोस्त को चोट लगती है या आपका दोस्त नहीं है किसी को चोट लगती है खेल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको फर्स्ट एड जो आपके बस में है जो आप कर सकते हो उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से भी फ्रेंडशिप की जा सकती है। आई विल स्टॉप हिम फ्रॉम ब्रेकिंग रूल्स। अगर आपका फ्रेंड कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको मना करोगे, क्योंकि तो दोस्ती हो गई ना, अपने फ्रेंड को गलत करने से मना कर रहे हो। तो इस तरह से आप कोई भी 4 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखोगे। यहाँ भी आपको यही करना है कि आप पहले कंटेंट नहीं देखोगे, पहले इसको खुद से फिल करोगे, फिर मेरे कंटेंट से मैच कराओगे। ठीक है, या मान लीजिए आपने 1-2 सेंटेंस लिखे और नहीं आ रहा है तो कंटेंट से लेकर के फिल कर सकते हो, लेकिन पहले कंटेंट से देख करके नकल मत करिएगा ताकि आप लोगों को खुद से काम करने आए। नेक्स्ट है आपका ICI अंडरस्टैंड। देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। पिक्चर में क्या है, एक डॉग है और एक बॉय है। बॉय को हर्ट हुआ है, उसकी नी में चोट लगी है और डॉग ही उसको क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ना। तो ये सीन है। अब इसमें आपने ये सीन देखा, इसमें आपने देख करके क्या समझा, इसमें लिखा हुआ है ICI अंडरस्टैंड, मतलब मैंने देखा और मैं समझ गया। इसमें आपने क्या समझा, जो आपने समझा वही आपको 4 या 5 सेंटेंसेस में यहाँ पर लिखना है। ये आपको खुद से ही करना है, हम आपको हिंट दे रहे हैं और कंटेंट में भी आपको रहे मिलेगा। इसमें आप लिख सकते हो, पिक्चर आप देख रहे हो, आई कैन सी अ डॉग एंड चाइल्ड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में सबसे पहले आपको क्या दिखा, एक डॉग दिखा और एक बच्चा दिखा। द डॉग इज लिकिंग द चाइल्ड्स फेस। डॉग क्या कर रहा है, चाइल्ड बच्चे के फेस को लिक कर रहा है। ठीक है, द चाइल्ड इज हर्टेड ऑन हिज लेग। चाइल्ड के पैर में चोट लग गई है, ये भी आप देख रहे हो। द डॉग इज शोइंग हिज लव टुवर्ड्स चाइल्ड। तो डॉग क्या कर रहा है, डॉग जो है पेट है उसका, वो अपना प्यार बच्चे को लिए शो हो रहा है। डॉगी का लव जो है वो बच्चे के लिए इसमें शो हो रहा है। और इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट एनिमल्स आल्सो हैव फीलिंग। इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा है कि एनिमल्स में भी फीलिंग होती है। ठीक है, ऐसा कुछ ही आप ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा और फिर जो भी आएगा आप कंटेंट से कंप्लीट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 7 प्रैक्टिस बुक से कंप्लीट होता है। अगर फिर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप उसे पूछ सकते हो, और अदरवाइज को कंप्लीट करके लर्न कर लीजिएगा और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग चैप्टर 8 में मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।